और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त तेजस में उड़ान भरी बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे पर जो है पहुंचे हुए थे पीएम मोदी, और इसी दौरान ये देखिए ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। भारत में बना हुआ स्वदेशी फाइटर जेट है तेजस, और उसमें उड़ान भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए मोदी सरकार हमेशा से रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देती रही है और हमेशा इस बात को क्लियर करती रही है कि अब हम आत्मनिर्भरता की राह पर आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और इसी बात को लेकर देखिए कैसे उनकी सरकार ने भारत में रक्षा उपकरणों के चाहे निर्माण की बात की जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया है, इस बात को हमेशा से मोदी सरकार कहती रही है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। आत्मनिर्भरता में वायुसेना किसी से कम नहीं है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि तेजस में उड़ान भरने पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है, और ये चेहरे पर गर्व साफ तौर पर पीएम मोदी के नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से एकदम प्रोफेशनल जो है यहां पर पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, और चेहरे पर एक्साइटमेंट, चेहरे पर खुशी साफ तौर पर पीएम मोदी के देखी गई। लेकिन देखिए तस्वीरें जो है साफ तौर पर उन दुश्मन देशों के लिए जो है ये समझने की जरूरत उनके लिए दो टुक कि किस तरीके से भारत जो है अब आगे बढ़ रहा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की अगर हम बात कर रहे हैं तो वायुसेना जो है वो किसी से कम नहीं है, और तेजस में उड़ान भरने पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। अलग अलग रोल हमने पीएम मोदी के देखे हैं, बच्चों के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं, जब पीएम मोदी के हाथ में कैमरा होता है किस तरीके से एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये अलग तस्वीरें जो शायद कभी किसी ने नहीं देखी होगी, एक देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से तेजस में उन्होंने उड़ान भरी और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमेशा से पीएम मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है, और इस साल हमने ये देखा भी कि किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा जो है वो दिया गया। देखिए पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी तेजस जेट की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे, और इसी दौरान उन्होंने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा, पूरी दुनिया को क्या संदेश देती हुई ये तस्वीरें? देखिए दो चीजें साफ है कि एक तो संदेश जो है प्रधानमंत्री का वो सीधा है कि भारत अब रक्षा मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा ये संदेश है पूरी दुनिया को कि अब भारत रक्षा मामले में भी अब स्वावलंबी होकर अब पूरी दुनिया को रक्षा सामग्री सप्लाई कर सकता है, यानी भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो गया है जो सप्लाई करे हथियारों की, सप्लाई करे उन देशों को जिनकी इनकी जरूरत है। अब भारत अगर, और अब दूसरा संदेश ये है कि अगर भारत को मुश्किल की घड़ी आए, अगर युद्ध जैसी स्थिति आए या सीमा पर कोई गड़बड़ियां हो, तो भारत को इन रक्षा की खरीद के लिए अब मोहताज नहीं होना पड़ेगा दूसरे देशों पर कि अब युद्ध के समय हमें जरूरत है। लेकिन अब उनको, भारत को जो प्रधानमंत्री ने पहली सॉटी लेकर संदेश दिया है, उसमें पहला संदेश यही है कि अब ये विमान फाइटर प्लेन, जिसमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हैं, जिसमें फाइटर प्लेन भी हैं, ये अब भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। दूसरा आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत बड़ा संदेश है, और तीसरा भारत दुनिया के अग्रणी देशों में बनेगा। तो मुझे लगता है इससे बेहतर प्रधानमंत्री एचएएल जाकर संदेश नहीं दे सकते थे अपने 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 जो हेक्टिक शेड्यूल है चुनाव के समय का, प्रचार का, उसके बीच में। बिल्कुल अमिताभ सिन्हा, और कई ऐसे देश हैं जो तेजस को खरीदने में अब लगातार रुचि दिखा रहे हैं, और शायद इन तस्वीरों के बाद जो है वो रुचि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमिताभ सिन्हा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ बताएं अमिताभ सिन्हा, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अब तेजस खरीदने में साफ तौर पर रुचि दिखा रहे हैं, अब क्या इन तस्वीरों के बाद रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी तेजस को खरीदने में, क्योंकि बहुत हल्के फाइटर जेट कहे जाते हैं ये? देखिए दो चीजें साफ है, भारत हमेशा से जब रक्षा खरीद भी करता रहा है तो कोशिश यही रहती है प्रधानमंत्री मोदी की कि उसके कल पुर्जों का निर्माण या उसके भविष्य में इनका निर्माण भारत में ही हो, ताकि कल पुर्जों के लिए भी भारत दुनिया उन आयात करने वाले देशों पर निर्भर न रहे। और भारत
कम से कम व्यापार में बराबरी का हक देता है, चाहे और प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की भी बात करते हैं जो दुनिया के गरीब देश हैं, तो मुझे लगता है उस देशों के लिए भारत अगर बढ़िया व्यापार मिले, बढ़िया उनको डील मिले, तो ज्यादातर देश भारत से भी समझौता करने को तैयार है, क्योंकि भारत ज्यादातर देशों का मित्र देश है। तो ये अच्छा संदेश है ग्लोबल साउथ के उन देशों के लिए भी और उन देशों के लिए भी जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज पे, अमेरिका पे और चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ठीक है अमिताभ सिन्हा, मैं लौट रहे आपके पास। एक बार ये चार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे, देखिए न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार तेजस की खूबियों के बारे में भी आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तेजस में उड़ान भरी है, देखिए तेजस जो है एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान है जो किसी भी मौसम में आराम से उड़ान भर सकता है। ये दो पायलट वाला फाइटर जेट है, इसे लिफ्ट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर कहा जाता है, इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी बुलाते हैं, यानी कि आसान शब्दों में समझे तो जरूरत पड़ने पर इससे आसानी से हमला किया जा सकता है। वायुसेना ने एचएल से 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है और जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं, जिसमें से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है। ये सभी तेजस मार्क 1 है, यानी कि आने वाले दिनों में एचएल इन विमानों के और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो वायुसेना को सौंपेगा, जिनकी डिलीवरी 2024 से 2028 के बीच में की जाएगी, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन जो है तेजस के वो भी दिए जाएंगे। और इससे आप समझिए वायुसेना की ताकत जो है वो कितनी हद तक बढ़ जाएगी। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम लगातार करें, लेकिन अगर इस तेजस की बात करें, इसकी खूबियों की बात करें, ये जिस तरीके का फाइटर प्लेन है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमला भी किया जा सकता है, किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और अब तो इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आना शुरू हो जाएगा। अमिताभ सिन्हा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे अमिताभ सिन्हा से बात करने की। लेकिन देखिए तेजस का जिक्र हम लगातार करें, कई बार आपने देखा होगा कि तेजस की तस्वीरें सामने आती है, किस तरीके से आसमान को चीरता हुआ चंद सेकंड में पलक झपकते ही तेजस आसमान में गायब हो जाता है। 26 जनवरी का वो वक्त याद कीजिए जब लाल किले की प्राचीर पर और वहां के आसमान में किस तरीके से तेजस जो है वो करतब दिखाते हुए नजर आ रहा था, किस तरीके से तालियों की गूंज जो है वो लाल किले पर सुनाई दी थी। और आज ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी और तेजस पर सफलता पूर्वक उड़ान पूरी हुई है, इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी की तरफ से दी गई। उन्होंने बताया कि तेजस में उड़ान जो है वो कितनी अलग थी, आत्मनिर्भरता से वायुसेना जो है वो किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आखिर देखिए हमेशा भारत जो है वो अब इस बात को लेकर आगे चल रहा है कि हमें आत्मनिर्भर पूरी तरीके से बनना है। आपको याद भी होगा ठीक दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात की अपील अपने ट्विटर के जरिए की गई थी कि हर कोई जो है वोकल फॉर लोकल बने और ये कोशिश करे कि खासकर जो महिलाएं बैठी है, चाहे वो दियो की दुकान पर बैठी हो, चाहे वो किसी मटके की दुकान पर बैठी हो, उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदी जाए। और इसका असर होता हुआ भी नजर आया। आप व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो इस बार भारत को बहुत मुनाफा हुआ, जीडीपी में जो है फायदा होता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के बीच में आप ये देखिए, ये दो तस्वीरें इस बात को बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पहली तस्वीर जहां पर देखिए पूरी तरीके से बहुत प्रोफेशनली तरीके से जब पीएम मोदी बैठे हैं, सेफ्टी मेजर्स के साथ बैठे हैं, और ये तस्वीरें जो है उन दुश्मन देशों के लिए थर थर कांपने वाली, जो अब ये समझ सकते हैं कि भारत जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ रक्षा क्षेत्र में नहीं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी भारत जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ। क्योंकि पीएम मोदी हमेशा से ये बात कहते हैं कि देखिए हमारी वायुसेना जो है वो किसी से कम नहीं, और आज पीएम मोदी ने यह साबित भी कर दिया। खुद तेजस में बैठे पीएम मोदी 45 मिनट तक तेजस में उड़ान भरी पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, और जब वो उतरे तो उन्होंने इस बात को बताया कि बहुत अलग तरीके का ये एक्सपीरियंस रहा। और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में जो उन्होंने उड़ान भरी, एक बार फिर से देखिए तेजस की खूबियों की बात कर ले, क्योंकि तेजस वो विमान जो एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान माना जाता है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, यानी कि सर्दी गर्मी बारिश, क्योंकि कई ऐसे विमान होते हैं जो हर मौसम में नहीं उड़ाए जा सकते। एक बार बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, फिर तेजस के बारे में बताएंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में पीएम मोदी ने 45 मिनट तक उड़ान भरी, जिसकी सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। 45 मिनट, आप समझिए 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तेजस में उन्होंने उड़ान भरी, और पूरे सेफ्टी मेजर्स के बाद कुछ देर के लिए पीएम ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें,
45 मिनट तक उड़ान भरी और जो जानकारी है पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर के लिए, हालांकि कुछ ही देर के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। अब आप समझिए, ये पहली बार होगा इतिहास में कि शायद देश के कोई प्रधानमंत्री जो है उन्होंने तेजस में उड़ान भरी, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा इस बात को कहते हैं कि देखिए चाहे वो कोई भी सेना हो हमें उन्हें समझना होगा।